हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और जीटीयू टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह बहुत ही बढ़िया टेक की खबरें आज भी, और आज की खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी है, तो वो खबर बिल्कुल भी आप मिस मत करना। मैं शुरुआत करता हूं आज के एपिसोड को, और सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे। फैक्ट ऑफ द डे है आज अमेज़न के बारे में। आपको पता है अमेज़न आज के समय में कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल है, और अमेज़न फ्लिपकार्ट के बीच में लाइव चलती रहती है। लेकिन जब अमेज़न शुरू हुआ था तो वहां पे भी वो एक बुक का स्टोर होता था, और वहां पे जब भी कोई नई बुक ऑर्डर होती थी तो उस टाइम पे वहां पे उनके ऑफिस में एक बेल लगी होती थी, जिस बेल को वो बजाते थे, यानी कि हमने एक नई बुक सेल कर ली। तो सोचो कितनी अजीब बात है। आज के समय में अगर हम बात करें कि अगर कोई भी ऑर्डर के हिसाब से उस बेल को बजाए तो क्या हाल होगा उस बेल का, आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग पर सेकंड इतने सारे ऑर्डर्स करते हैं अमेज़न पे। लेकिन अमेज़न फिलहाल जब ये करता था तो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि भाई एक दिन हम बड़ी कंपनी बनेंगे, इस तरह की एक्टिविटी रखता था। सोचो कितनी अजीब बात है, लेकिन है तो अमेजिंग। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा अमेज़न का डील वीडियो लाइव जा चुका है, तो अगर आपने अमेज़न की डील मिस नहीं करनी है स्मार्टफोन की, टीवी की, तो जरूर जाके उस वीडियो को देख लेना। मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली टेक की खबर के साथ, और ये है सैमसंग गैलेक्सी F42 5G के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। डायमेंसिटी 700 चिपसेट है यहाँ पे, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है, वो है 21,000। तो 21,000 में आप इस फोन को ले सकते हैं, जो कि बढ़िया फोन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी के साथ हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। और फास्ट चार्जिंग तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिफ्रेश है डिजाइन के अंदर, तो आप इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यह फोन आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट की सेल में। दोस्तों, Xiaomi का आ चुका है Xiaomi 11 Lite 5G Any। जी हाँ, 5G इसलिए क्योंकि ये 5G वर्जन है, Any मतलब न्यू एडिशन, जैसा Xiaomi ने हमें बताया। इस फोन का अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पे आने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे जो है थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम इसे कंपेयर करें Mi 11 Lite, और नाम भी यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है ना, क्योंकि Xiaomi अब Mi ब्रांडिंग यूज नहीं करेगा। हर तरह के फोन के अंदर जो महंगे फोन होंगे वो या तो Xiaomi होंगे, और जो सस्ते फोन होंगे वो Redmi होंगे, लेकिन Mi यूज नहीं होगा आगे से। तो इसीलिए इस फोन का नाम Xiaomi 11 Lite 5G Any है। तो ऐसे में ये फोन यहां पे स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 26,999 पे, लेकिन इसकी ऑफर प्राइस में ये और सस्ता मिल जाता है। इसका जो अगला वेरिएंट है वो तकरीबन 29,000 का है, वो भी ऑफर प्राइस में कम का मिल जाता है। तो सेल में अगर आप इस फोन को लेंगे तो आपको फायदा होगा, डिस्काउंट होगा, और आपको ये काफी कम प्राइस पे मिल सकता है। और दोस्तों, पिछले वाले Mi 11 Lite 4G के कंपैरिजन में यहां पे आपको 5G मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 778G मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको NFC का सपोर्ट भी मिल रहा है। दोस्तों, सैमसंग की जो फ्यूचर वॉचेस होंगी उसके बारे में एक डिजाइन लीक हो गया है, जो कि उन्होंने पेटेंट लिया है। उन वॉचेस के अंदर आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो उस वॉच का स्ट्रैप होगा उसी पे एक सोलर पैनल लगा होगा, तो कहीं ना कहीं लाइट से वो वॉच ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी, चलती रहेगी, कभी भी आप उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये डिजाइन है तो बहुत बढ़िया, और सैमसंग ने इसका पेटेंट लिया है, तो फ्यूचर में सैमसंग की तरफ से हमें ऐसी वॉचेस मिलने वाली है, लेकिन शायद चाइनीज कंपनी इनसे पहले भी ये टेक्नोलॉजी लेके आ जाए। दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है आज, जिसमें एक वीडियो देखा गया है। उस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि ई प्लूटो नाम का ये स्कूटर, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी का स्कूटर है, ये स्कूटर की बैटरी ब्लास्ट हो गई है। पहले उसमें धुआं निकला, और धुआं निकलने के बाद उसमें बहुत ही ज्यादा तेजी से आग लगी। अब ऐसे में यहाँ पे डिजाइन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं जिनमें सीट के नीचे बैटरी होती है, क्या वो सेफ है? और इवन जिन स्कूटर्स के अंदर यहाँ बेस चेसी के बीच में यहाँ पे जहां पे आप पैर रखते हैं वहां पे बैटरी है, क्या वो जगह भी सेफ है? क्योंकि बैटरी वाला स्कूटर अगर एक्चुअली में उसमें आग लग जाए या किसी तरह से उस पर डैमेज हो जाए तो वो बम से कम नहीं है, ऐसा तो जरूर लग रहा है। तो ऐसे में देखते हैं कि फ्यूचर में किस तरह के प्रोटोकॉल्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जिसमें किसी भी वजह से किसी को डैमेज पहुंचे स्कूटर की वजह से, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के फायदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी दिख रहे हैं, चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है समय के साथ ये सब चीजों को हैंडल किया जाना चाहिए। दोस्तों, रियलमी का
टेक लाइफ रोबोट वैक्यूम की प्राइस जो है रिवील हो गई है उसके लॉन्च से पहले। यहाँ पे बॉक्स की कुछ फोटोज देखी गई हैं, किस तरह का डिजाइन होने वाला है, क्या फीचर्स होने वाले हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है बॉक्स के ऊपर वो लिखी हुई है 29,999, यानी कि तकरीबन 30,000 रुपए का आपको मिलेगा ये वैक्यूम, जो कि आपके कमरे के अंदर, आपके घर के कमरे के अंदर झाड़ू वगैरह जो है एक तरह से लगा सकता है। बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं ऐसे डिवाइसेस जो कि मैंने यूज करके देखे, लेकिन हाँ अगर आप अकेले रहते हैं और उस केस में आप चाहते हैं कि सब कुछ क्लीन रहे तो आप इस तरह का डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास इतने पैसे हैं खर्च करने के लिए। अदरवाइज जो मेड है वो डेफिनेटली सस्ती पड़ती है। दोस्तों OnePlus के नए TWS जो हैं आने वाले हैं, OnePlus Buds Z2 इनका नाम है। इनके की फीचर्स लीक हो गए हैं। इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलेगा, 38 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी, हालांकि ये स्टैंड बाय वाली होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंप्रूव डिजाइन के साथ ही आने वाले हैं। उनका जो डिजाइन है नया वो मुझे अच्छा लग रहा है। केस का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन OnePlus Buds Z2 का जो ईयर मॉड्यूल है यानी कि जो TWS कंपोनेंट है वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, थोड़े ज्यादा प्रीमियम लुकिंग लग रहे हैं। अब देखते हैं कि कब आते हैं, किस प्राइस में आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 5,000 से नीचे होने वाले हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने एंट्री कर ली है गेमिंग इंडस्ट्री में बाय परचेजिंग अ न्यू गेम स्टूडियो जिसका नाम है फर्स्ट गेम स्टूडियो। और यानी कि यहां पे नेटफ्लिक्स कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको गेमिंग देखने को मिलेगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में काफी बड़ी होने वाली है और नेटफ्लिक्स उस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करना मिस नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में गेमिंग इज गोइंग टू बी बिग, ऐसा मुझे लगता है। इवन टीवी, कंसोल या फोन पे भी, फोन पे तो ऑलरेडी बिग हो चुकी है, टीवी पे भी शायद गेमिंग और भी बड़े रूप में आ सकती है। दोस्तों Amazon का इवेंट हुआ था और वहां पे बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। जो मेरे फेवरेट हैं उनका जो रोबोट है, जो भी उसका नाम है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, घर में इधर उधर घूमेगा। हालांकि ये इंडिया आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इंडिया जो आने वाले हैं उनमें से स्मार्ट थर्मोस्टैट है जो कि टेम्परेचर वगैरह बताएगा, एलेक्सा के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका एसी है तो एसी, अगर एलेक्सा कंट्रोल है तो आप उसी के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इको शो 15। एक तरह का फोटो फ्रेम जैसा डिवाइस है जिसको आप दीवार पर टांग सकते हैं और दीवार पर टांगने के बाद उसको आप फोटो फ्रेम की तरह यूज कर सकते हैं, एलेक्सा की तरह यूज कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन उस पे आती रहेगी। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा डिवाइस है। हालांकि ये इंडिया आएगा लेकिन किस प्राइस पे आएगा ये नहीं पता है, थोड़ा सा महंगा होगा मुझे लगता है, कम से कम 30,000 से 35,000 आप मान के चल सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा आपको देने पड़े, क्योंकि इसमें पूरा आपको एक लैपटॉप का डिस्प्ले जो है मिल रहा है जो कि आप दीवार पे टांग दीजिए और इसे फोटो फ्रेम की तरह यूज कर लीजिए या फिर एक इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं शक्ति सिंह, साहिल एंड CKS एंटरटेनर। तो बहुत ही बढ़िया कमेंट करें आप लोगों ने, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हम आपको फीचर भी करते रहेंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, तो सैमसंग के फोन में बहुत सारी अनॉइंग नोटिफिकेशन आती हैं और ये चीज मुझे खुद एक्सपीरियंस में मिल रही है जब मैं सैमसंग का Z Flip 3 यूज कर रहा हूं। तो ऐसे में इन अनॉइंग नोटिफिकेशन में से एक ऐसी है जो कि सैमसंग क्लाउड है, जो कि सैमसंग का ऑनलाइन स्टोरेज है, उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, उसको कैसे ब्लॉक करना है वो हमने बताया। साथ साथ सैमसंग के फोन में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ लेना। और जो दूसरा आर्टिकल है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप पैच वॉल को डिफॉल्ट लॉन्चर से हटा सकते हैं। अगर आपने Xiaomi का टीवी खरीदा है तो है तो वो गूगल टीवी, उसमें गूगल का लॉन्चर होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी आप टीवी खोलते हैं तो उसमें आपको Xiaomi का लॉन्चर दिखता है, जो कि इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, जबकि गूगल के लॉन्चर में आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में कैसे हटाना है मी टीवी के लॉन्चर को अपने फोन, अपने टीवी से एक्चुअली, वो हमने बताया। तो जरूर जाके पढ़ लेना, दोनों ही आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि Amazon का जो सेल वीडियो आज का गया है वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर आप वो अमेजिंग डिस्काउंट एंड सेल मिस नहीं करना चाहते हैं तो जरूर उस वीडियो को जाके देख लेना। और जो लोग कह रहे हैं कि Flipkart का वीडियो कहां है, Flipkart का वीडियो भी बहुत जल्द आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, आपको Flipkart का वीडियो भी मिल जाएगा सेल से पहले। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।